Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जय झारखंड इनकलाब। आज बिरसा मुंडा जी की धरती पर इंडिया गठबंधन की इस न्याय महारैली में दूर दूर से चलकर आए सत्कार योग बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं, बहनें, मीडिया के साथी और सबसे अहम इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागण, मैं अकेले अकेले का नाम नहीं लूंगा, टाइम बहुत हो चुका है, सबका नाम लिया जा चुका है, सभी सीनियर है मेरे से। आज ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प लेने के लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज बहन कल्पना जी अभी बोल के गई हैं, सुनीता केजरीवाल जी बोल के गई हैं, उन दोनों के साथ क्या हुआ? उन दोनों के पति मुख्यमंत्री थे, हैं, मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के पति बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और बहुत एक सामान्य घरों से आए हैं। क्या कसूर है उनका? क्योंकि वो लोगों को सहूलियतें देना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, वो गरीबी मिटाना चाहते थे, वो बेरोजगारी को मिटाना चाहते थे, वो अच्छी शिक्षा देनी चाहते थे, वो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, वो महिलाओं को मुफ्त में सफर और महिलाओं को कुछ जो भी सहूलतें जो हजार रुपया जा घर में महंगाई के समय मिलना चाहिए वो देना चाहते थे, उठा के जेल में फेंक दिया। भाई साहब, ऐसे ऐसे आवाज दबा लोगे? अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे? मोदी जी, ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। इन्होंने समझ क्या रखा देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, देशभक्त लोगों का देश है। ये समझते हैं हम जेल में डाल के आवाज दबा लेंगे, हम जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, किसी के एमएलए तोड़ दो, किसी के एमपी खरीद लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, सामने कोई लड़ी ना पाए। अरे भाई, अगर आपको मोदी की लहर पर इतना ही यकीन है तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों से, देशभक्त लोगों से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? और कसूर कोई नहीं है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को ईडी ने क्या कहा? 6 महीने बाद कहा हमारे पास सबूत नहीं है जी, छोड़ दो। ऐसे ही हेमंत सोरेन के बारे में कहेंगे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे। बस ये डर है, क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, ये डर है बस इनको, ये डर है और कोई डर नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये दोनों बहनें हैं हमारी और ये दोनों आज बैठी हैं और कॉन्फिडेंस से बोल भी रही हैं, वरना आपको पता है ईडी वीडी का चक्कर हो जाए तो परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन मैं दाद देता हूं और तालियां चाहता हूं इन दोनों के लिए कि कम से कम ये आके संदेशे पढ़ रही हैं अपने पतियों के। 31 मार्च को हमने रामलीला ग्राउंड में सारे इंडिया गठबंधन को बुलाया, उसी के डर से कांप गए भाई साहब। अभी कल हुआ है मतदान, मुझे पता चला है कल वाले मतदान से हिल गए, क्योंकि कल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 80 से 90 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, 80 में से 90। इसीलिए हिल गए हैं ये। तो हम तो जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं, हमारी तो पार्टी आंदोलन से निकली थी। हेमंत सोरेन जी के साथ मेरी अक्सर बात होती रहती थी। हमारे यहां पछवाड़ा में एक कोले की माइन है हमारी पंजाब की है, उसके संबंध में दोनों मुख्यमंत्रियों की बात होती रहती थी। वो यही बात करते थे हर वक्त कि भगवान जी झारखंड में भी बहुत कुछ है, को जैसा कि उन्होंने चिट्ठी में लिखा झारखंड गरीब नहीं है, यहां के जो गरीब थे उनको गरीब रखा गया है, जल जंगल जमीन का पैसा का कानून लागू नहीं किया। उन्होंने कहा जो हमारे कुदरत ने हमें दिया है, कोयला दिया है, बहुत कुछ खाने दिए हैं, उन पर भी सेंटर की आंख है, वो हमसे छीनना चाहते हैं। कोयला झारखंड में है, पंजाब को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओ, इंडोनेशिया से कोयला मंगाओ। अरे भाई हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन वो कहते नहीं तुम्हारे वाला तो हम रखेंगे अपने दोस्तों मित्रों के लिए, उनको देंगे ये कोयले की खाने। तो ये आज जो आपका यहां इतनी भारी संख्या में आना कि दुनिया का कोई भी कैमरा इस सारी रैली को एक ही क्लोजअप में, एक ही जूम में कैद नहीं कर सकता। दुनिया के कैमरे छोटे हो गए आज, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका घर से बाहर निकलना हमारे लिए हौसला अफजाई है। एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा के थोड़ा अभिनंदन कर दीजिए। बहुत बहुत हाजी हां, ये इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, ये भी जुमला ही होगा, ये भी झूठ ही होगा। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो। यही काम है इनका काम, ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनसे, इनके जुमलों में मत आना, इनके जुमलों में मत आना। ये आने वाले इलेक्शन में यहां भी आपको इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार मिले, वहां पे बटन दबाना है, देश को बचाना है। एक मशीन जो ईवीएम जो है उसका एक बटन दबाना है इंडिया गठबंधन का, और देश को बचाना है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी बोलना है। मैं बहुत जूनियर हूं, लेकिन मैं पंजाब से आया हूं, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से। मैं ये संदेशा लेके आया हूं कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां दी, तब जाके देश मिला। ये देश के मालिक बन के बैठ गए। तो इनको बताना है कि अहंकार जो है, अहंकार एक ना एक दिन झुकता है, अहंकार झुकेगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे। और बाहर आके इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था ये कब अंदर कर बैठे। इनको ये था कि जैसे आम बंदों को किसी को पकड़ के अंदर करते हैं ऐसे होगा, इनको ये नहीं पता था कि इतना जन सैलाब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी के लिए इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको पता नहीं था। तो दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगाने हैं ताकि पता चल जाए उनको, जेल में बैठे हुए यहां पता चल जाए कि कुछ हो रहा है, रांची की धरती पे कुछ हो रहा है। इनकलाब! थोड़ा दोनों हाथ ऊपर चेक, थोड़ा सा और वॉल्यूम, क्योंकि देखो यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, उनको भेजा जाता है, उनके आका भेजते हैं कि देखना क्या हो रहा है। सब कुछ तो बता देंगे, लेकिन जब वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो इतनी जोर से नारे लगाओ झारखंड वालों को कहना पड़े बीजेपी वालों को, अपने आका को कि ये मत पूछो, ये तो आपके घर पे भी सुने होंगे, तो इतनी जोर से नारा लगाओ दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की जय, झारखंड बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है।